ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करके पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। फिर इसके बाद आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। एंड मॉडल को आप सभी को जिस टाइप से ऐड कर लेना है, एंड मैं पहले इसके यहाँ पर रोटेट करके किस साइड में कर लेता हूँ। एंड ऐसे कर लेने के बाद आप सभी को करना कि अब यहाँ पे आपको डन नहीं करना है। आप सभी को थोड़ा सा इरेजर टूल से कुछ इरेज करना है, जो नीचे का पार्ट आप सभी को दिख रहा है, यहाँ से इरेजर टूल पर क्लिक करके आप सभी को साइज़ को बढ़ा के, ओपेसिटी कम करके, हार्डनेस कम करके, एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को इरेज करना है। ठीक है, इस टाइप से आप इरेज करोगे तो मतलब कि थोड़ा लगेगा कि हाँ, ये हमारा जो मॉडल है ये इन पेड़ पौधों के अंदर है। ठीक है, तो ऐसा कर देने के बाद आप सभी को आप कर देना है डन। ओके गाइस, इतना कर देने के बाद आप सभी को, अब मैंने एक पीएनजी दे रखा है, ठीक है, आप सभी को उस पीएनजी को ले लेना है। तो सबको ऐड फोटो में जाना है, एंड ये पीएनजी आप सभी को ले लेना है। ठीक है, इस पीएनजी को आपको सिंपली फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से लगाना है। एंड ये जो गाइस में साइड में आप सभी को मेरे जो बर्ड्स के पीएनजी है, तो आप सभी को इसके लिए क्या करना है, इनको दिखाने के लिए इस मतलब कि इस पीएनजी की वजह से ढक रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे रेजर टूल में, एंड यहाँ से हम जाएंगे इसके साइज़ को बढ़ा करके, हार्डनेस एंड ओपेसिटी कम करके, हम यहाँ से जहाँ जहाँ पे बर्ड्स हैं यहाँ पे, हम यहाँ से इरेज कर देंगे इसको। ठीक है गाइस, तो इतना इतना इरेज कर देना आप सभी को। आप चाहो तो ओपेसिटी कम भी रख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को करना है कि यहाँ से कर देना डन। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को मैंने एक बर्ड का पीएनजी दे रखा है, ठीक है, तो आप सभी को उस पीएनजी को ले लेना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, हम इस बर्ड के पीएनजी को ले लेंगे, एंड इसको हम सिंपली कुछ इस टाइप से स्क्रीन को छोटा कर, इसको मतलब इसको छोटा करके, एंड यहाँ पे अपने फ़ोन के ऊपर यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सबको यहाँ पे थोड़ा साइड इस टाइप से रख देना है, एंड बैस के पहले छोटे थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ, एंड यहाँ पे करके कुछ इस टाइप से लगा देते हैं। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सबको यहाँ से कर देना डन। ठीक है, इस यहाँ तक का काम था हमारा हो चुका है। तो उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को एक पार्टिकल का पीएनजी दे रखा है मैंने, तो आप सभी को करना है क्या, इसके लिए आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, ये पीएनजी मैंने ले लिया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे ब्लेंडिंग मोड में, इसको कर देंगे स्क्रीन। ओके गाइस, तो स्क्रीन कर देने के बाद आप सभी को इसको कर देना फुल स्क्रीन। ठीक है, फुल स्क्रीन कर देने के बाद जो फेस पे एरिया आ रहा हो, उसको आप सिंपली इरेजर टूल से यहाँ से इरेज कर लेना। तो यहाँ से मैं पहले इरेज कर लेता हूँ जो जो मेरे मतलब यहाँ पे फेस पे आ रहा है, तो उसको यहाँ से इरेज कर देना है, एंड यहाँ से कर देना डन। ठीक है, तो इतना कर देने के बाद अब आती है बात हमारी कलर क्वेश्चन की। तो यहाँ से हम कर लेते हैं फोटो को सेव, एंड यहाँ से चलते बैक। ठीक है, तो जब तक लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, और अभी अब तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया होता यार, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके यार मेरे अपने भाई का मोटिवेशन प्लीज़ यार बढ़ाओ, ताकि यार आपका भाई वीडियो लाए अच्छे अच्छे और आप सभी के लिए। एंड वैसे भी मैं लाता हूँ आप सभी के लिए, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। एंड यार आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी सबसे पहले मिले, एंड आप ऐसे ऐसे वीडियोस को मिस ना कर पाओ। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, हमारी जो फोटो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, उसके बाद आप सभी को इस लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, कॉन्ट्रास्ट को आप सभी को आगे की तरफ बढ़ा देना है। ठीक है, एंड जो हाईलाइट है इसको माइनस कर देना है, एंड जो शेडो है इसको बढ़ा देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को क्या करना है, ब्लैक को बढ़ाना है, एंड जो व्हाइट है इसको भी बढ़ा देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आपको जाना है कलर्स में, फिर वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जो टेम्परेचर इसको माइनस में कर देना है, एंड उसके बाद ना मिक्स में ऑरेंज कलर पर जाना है, एंड इसकी सैचुरेशन को माइनस कर देना है, एंड जो ये ब्लू कलर है इसके भी ह्यू को माइनस में करना है, एंड सेकंड ब्लू वाले में जाना है, इसके ह्यू को माइनस में कर देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को करना है क्या, आप सभी को इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस करना है, एंड ऐसे कर देना डन। ठीक है, एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी इसको आपको बढ़ा देना है, एंड जो फोटो में विग्नेट है वो आपको हल्का सा डालना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सबको ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है, एंड जाना आप सबको फिर नीचे वाले टूल में, फिर इसका शार्पनेस को बढ़ा देना है, एंड जो नो डायरेक्शन है इसको भी बढ़ा देना है, एंड जो कलर नो डायरेक्शन है इसको भी बढ़ा देना है। ठीक है, एंड उसके बाद आप सभी को अब यहाँ से अगेन जाना है कलर्स में। कलर्स में आप सभी को यहाँ से गाइस इसमें मिक्स में नहीं जाना है, आप सभी को जो तीन पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको उसमें जाना है, एंड इसके जो शेडो है इसको आपको येलो टोन में ले जाना है, एंड जो यहाँ से जो मिड टोन है इसको भी आपको येलो टोन में ले जाना है, एंड जो हाईलाइट है इसको भी आपको उसमें येलो टोन में ले जाना है। ठीक है, तो हाईलाइट को हम येलो टोन में ले जाते हैं, एंड यहाँ से कर देते हैं डन। तो गाइस, यहाँ पे जो है हमारी फोटो परफेक्टली पूरी एडिट हो चुकी है गाइस। ठीक है, तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस, बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।